वेलकम टू स्टॉक वाला यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे 5 केमिकल शेयर्स जो कि आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि केमिकल की डिमांड कितनी है, डोमेस्टिक ही नहीं इंटरनेशनली आपको केमिकल की काफी ज्यादा खपत देखने को मिल रही है और ईयर बाई ईयर जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है इसमें भारतीय कंपनीज की डिमांड भी काफी तेजी से ग्रो कर रही है और केमिकल ऐसा सेक्टर है जिसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज करती हैं, तो इसलिए केमिकल में निवेश करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। कौन सी कंपनीज हैं, किस तरह के कंपनी के नंबर्स हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आप अपने ब्रोकर से संतुष्ट नहीं है तो इंडिया के टॉप डिस्काउंट ब्रोकर ज़ेरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहली कंपनी की बैलेंस शीट हम देखेंगे जहां पे हम रिजर्व्स देखते हैं। मार्च 2012 में 624 करोड़ के रिजर्व थे और ये इंक्रीज होके 4872 करोड़ के हुए हैं। वहीं पे बोरिंग्स की बात करें, कंपनी के पास 162 करोड़ की मैनेजेबल बोरिंग है, कोई बड़ी बोरिंग नहीं है। और टोटल एसेट्स की बात करें 1459 करोड़ से इंक्रीज होके 6097 करोड़ का हुआ है, तो कंपनी के टोटल एसेट में भी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सबसे पहले हम सेल्स वॉल्यूम और टॉप लाइन की बात करेंगे। मार्च 2012 में 1775 करोड़ के सेल्स थे और ये इंक्रीज होके 5428 करोड़ के हुए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 205 करोड़ से 807 करोड़ का हुआ है, जबकि नेट प्रॉफिट 91 करोड़ से 507 करोड़ का हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं कंपनी के नंबर्स में साल दर साल काफी अच्छा ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के नेम से, अतुल लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। लाल भाई ग्रुप की यह कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी, केमिकल के 9 बिजनेसेस के अंदर डील करती है जिसमें 2 सेगमेंट है कंपनी के, लाइफ साइंस केमिकल्स एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स। इसके अलावा अदर 9 टाइप के बिजनेस भी हैं। 17671 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 6002 का करंट प्राइस है, 7590 का 52 वीक हाई, 5720 का लो है। स्टॉक पी 49.7, बुक वैल्यू 1661 और डिविडेंड यील्ड 0.41%, ROC 15.3, ROE 11.5 और फेस वैल्यू 10 की है। तो यहां पर आपको इन फ्यूचर स्प्रिट्स भी देखने को मिल सकता है, लॉन्ग रन में आपके शेयर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक के बैलेंस शीट हम देखेंगे जहां पे 2012 में 468 करोड़ के रिजर्व थे और ये इंक्रीज होके 2256 करोड़ के हुए हैं। बोरिंग्स की बात करें, कंपनी के पास 1259 करोड़ की बोरिंग है, हालांकि कंपनी ने एक्सपेंशन का काम शुरू किया है तो इसलिए थोड़ा बहुत बोरिंग आपको लाजमी देखने को मिल रही है। टोटल एसेट 764 करोड़ से 4022 करोड़ का हुआ है, तो कंपनी के टोटल एसेट में भी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सबसे पहले हम सेल्स की बात करेंगे। मार्च 2012 में 725 करोड़ के सेल्स थे और ये इंक्रीज होके 2077 करोड़ के हुए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 259 करोड़ से 550 करोड़ का हुआ है, जबकि नेट प्रॉफिट 218 करोड़ से 375 करोड़ का हुआ है, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों कंपनी का नाम है नवीन क्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड। कंपनी बेसिकली रेफ्रिजरेशन गैसेस, इनऑर्गेनिक क्लोराइड्स, स्पेशली ऑर्गेनोफ्लोरीन जैसे प्रोडक्ट सेल करती है। मार्केट कैपिटल की बात करें 15616 करोड़ और करंट प्राइस 3150 का है, 4950 का हाई, 2899 का लो है। स्टॉक पी 53, बुक वैल्यू 457, डिविडेंड यील्ड 0.22%, ROC 20.4%, ROE 18.2 और फेस वैल्यू 2 रुपी की है। तो यहाँ पे एक स्प्रिट आपको इन फ्यूचर मिल सकता है जिससे कि क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो सकती है। दोस्तों थर्ड कंपनी की बैलेंस शीट हम देखेंगे जहाँ पे रिजर्व देख रहे हैं। 2012 में 551 करोड़ के रिजर्व थे और रिजर्व इंक्रीज होके सितंबर 2023 में 4848 करोड़ के हुए हैं। और बोरिंग्स की बात करें 3207 करोड़ की बोरिंग है। और टोटल एसेट्स की बात करें 1660 करोड़ से इंक्रीज होके 9048 करोड़ के हुए हैं।
कंपनी के टोटल एसेट्स में भी ग्रोथ आती हुई देखने को डेफिनेटली मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सबसे पहले हम सेल्स की बात करेंगे। 2012 में 1667 करोड़ के सेल्स थे और ये सेल्स इंक्रीज होके मार्च 2023 में 6619 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 249 करोड़ से 1089 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 104 करोड़ से 545 करोड़ का हुआ है। तो आप देख रहे हैं कंपनी के प्रॉफिट पिछले कुछ सालों से वही घूम रहे हैं 500 से 600 के बीच में, बट आगे चलकर कंपनी ग्रो करेगी। दोस्तों कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डेफिनेटली आप जानते हैं स्पेसिफिक केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में डील करने वाली लीडिंग कंपनी है। 25,181 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 695 का करंट प्राइस, 712 का हाई, 438 का लो है। स्टॉक P58, बुक वैल्यू 139, डिविडेंड यील्ड 0.37%, ROC 10.4%, ROE 11.6 और फेस वैल्यू 5 रुपए की है। यहाँ पे आपको आगे चलकर स्प्लिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज को जरूर आप रडार पे रख सकते हैं। दोस्तों चौथा स्टॉक है जिसके बैलेंस शीट में रिजर्व देखेंगे, 2018 में 51 करोड़ के रिजर्व थे और ये रिजर्व इंक्रीज होकर 704 करोड़ के हुए हैं सितंबर 23 के अकॉर्डिंग। और बोनस की बात करें 61 करोड़ की मैनेजेबल बोरिंग है, कोई बड़ी बोरिंग नहीं है। टोटल एसेट 144 करोड़ से इंक्रीज होके 840 करोड़ के हुए हैं। बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे। 2018 में 136 करोड़ के सेल्स थे और मार्च 2023 में 424 करोड़ के सेल्स हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23 करोड़ से 61 करोड़ का हुआ है और नेट प्रॉफिट 12 करोड़ से 45 करोड़ का हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं कंपनी के नंबर्स में हल्की ग्रोथ जरूर देखने को मिली है, हालांकि प्रॉफिट थोड़ा सा मार्च क्वार्टर में घटे जरूर है। दोस्तों बात करते हैं कंपनी के नेम से। तत्व चिंतन फार्मा कैम लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। कंपनी स्ट्रक्चर डायरेक्ट एजेंट फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट इलेक्ट्रोलाइट साल्ट जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। बैटरीज फार्मास्यूटिकल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। 2797 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 1196 का करंट प्राइस है, 1188 का हाई, 1061 का लो है। स्टॉक P67.8, बुक वैल्यू 311 रुपी, डिविडेंड यील्ड 0.17%, ROC 8.91%, ROE 9.89 और फेस वैल्यू 10 रुपी की है। तो यहाँ पे भी आगे चलकर आपको स्प्रेड मिल सकता है, तत्व चिंतन को भी रडार पे रख सकते हैं। दोस्तों लास्ट कंपनी के बैलेंस शीट हम देखेंगे, जहाँ पे रिजर्व देख रहे हैं 2015 में 199 करोड़ के थे और ये इंक्रीज होके 1406 करोड़ के हुए हैं। बोरंस की बात करें कंपनी के पास 168 करोड़ की नेग्लिजिबल बोरंग है और टोटल एसेट्स 610 करोड़ से इंक्रीज होके 2176 करोड़ के हुए हैं। बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे। 2015 में 1074 करोड़ के सेल्स थे और ये इंक्रीज होके 2797 करोड़ के हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 248 करोड़ और नेट प्रॉफिट की बात करें 21 करोड़ से 125 करोड़ का हुआ है, हालांकि पिछले दो तीन सालों से प्रॉफिट उसी रेंज में घूम रहा है। दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात करें उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1989 में स्टैब्लिश हुई कंपनी है जो कि एथिल एसीटेट, एसिटिक एसिड, डिटेन डेरिवेटिव जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। मार्केट कैपिटल की बात करें 6857 करोड़ का मार्केट कैपिटल है और साथ ही साथ 249 का करंट प्राइस है, 321 का हाई और 222 का लो है। स्टॉक पी 68.2, बुक वैल्यू 53, डिविडेंड यील्ड 0.21%, ROC 11.5, ROE 9.18, फेस वैल्यू 2 रुपए की है। तो आगे चलकर आपको यहाँ पे भी स्प्रेड देखने को मिल सकता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज को रडार पे आप रख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे टॉप 5 केमिकल स्टॉक जो कि आगे चलकर वेल्थ क्रिएशन का काम कर सकते हैं आपको आइडिया लग चुका है। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आप अपने ब्रोकर की सर्विसेज से संतुष्ट नहीं हैं, तो इंडिया के टॉप डिस्काउंट ब्रोकर ज़रोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।